तो आपके 10th क्लास में आपको 100% हम कह रहे हैं कि 5 मार्क्स या 7 मार्क्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एक ग्राफीय विधि से हल करना जरूर आएगा ही आएगा। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए हम आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिए है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। एक क्वेश्चन लिए हुआ है और आपको सिखाएंगे कि कैसे ग्राफीय विधि से हल किया जाता है। और आप इस वीडियो से सीख कर जाओगे ही जाओगे और आपका एग्जाम में मैं 100% कह रहा हूँ कि 5 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। ये 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 दिया हुआ है। हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से, तो जो समीकरण दिया हुआ है तो पहला जो समीकरण दिया है इसको हम मान लेंगे कि ये समीकरण हमारा फर्स्ट दिया है, ठीक है। और ये क्या दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, तो इसको कर दो समीकरण सेकंड, ठीक है। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट, इसको कर देंगे सेकंड। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो देखो मेरे बाबू सबसे पहले जो समीकरण फर्स्ट है उसको लेकर के हम सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालते हैं। बात समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को लेकर के एक्स और वाई का मान निकालते हैं, इसका हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड को लेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे और एक बक्स बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, धीरे धीरे चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम है हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है लिख लो, 2x + y - 6 = 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 2x + y - 6 = 0 दिया है, तो यदि मान लो -6 है अब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो देखो 2x अब +y -6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2x + y = 6 जो आया है इसको हम क्या करते हैं, देखो हम इसमें y का मान जब भरेंगे तो अपने आप x का मान आते जाएगा, कैसे, तो देखो माना हम y का मान कुछ भी रख सकते हो, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप मान लो कि y का मान रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो बोलो, जो रखोगे वो रख सकते हैं। मान लो y का मान आप 2 रखना चाहते हो, हमने 2 रख दिया, ठीक है। आपने सोचा कि y का मान हम 2 रखेंगे तो हमने चलो 2 रख दिया, 3 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने y का मान 2 रख दिया तो रखो, तो 2x ज्यों का त्यों अब प्लस y का मान कितना भरना है जी, 2, तो यहाँ पर रख दो मेरे दोस्त 2, अब बराबर हो गया 6, ठीक है। अब देखो 2x और यहाँ पर प्लस 2 है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कर दो 6 - 2। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त 2x = 6 - 2 = 4, अब यहाँ पर एक गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर हो गया 4/2, अब कटा दो 2 × 4, तो यहाँ भी देखो x का मान 2 ही आ गया। अब ऐसा मत समझना ना कि y का मान 2 रखे हैं भैया तो x का मान भी 2 ही आएगा, नहीं भैया मेरे दोस्त नहीं, ठीक है। आप क्या रखोगे, y का मान 2 रखे हो तो x का मान 2 ऐसा ही नहीं आएगा, आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा लक था कि y का मान भी 2 आ गया, x का मान भी 2 आ गया, ठीक है, वो कुछ भी आते रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक बार तो हम x का मान और y का मान निकाल लिए, तो क्या यहीं पर ख़त्म कर दें, नहीं एक स्टेप और, मतलब कि एक बार और निकालेंगे, यही काम करेंगे, पुनः यही काम करेंगे। आखिर क्यों, क्योंकि हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब फिर से एक बार रखेंगे पुनः, माना y का मान रखेंगे, अब ये नहीं कि y का मान 2 रखें तो फिर 2 ही रखेंगे, नहीं आपका मन जो करे सो करो, क्या रखने का मन है बोलो, 2 रखने का मन तो अब नहीं होगा क्योंकि 2 रख लिए हैं, अब उसके अलावा बोलो क्या रखो, चलो 4 रखें का, चलो y का मान हमने 4 रख दिया, ठीक है, y का मान हमने 4 रख दिया, किसके लिए, इसके लिए, तो अपने आप x का मान आ जाएगा। तो चलो तो भरो, तो क्या दिया है 2x + y = दिया है 6, तो 2x ज्यों का त्यों अब प्लस y का मान क्या भरना है, y का मान 4 दिया है ना, तो 4 भर दो बराबर हो गया 6।
अब क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 6 में से 4 जाएगा 2। अब ये 2 गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, तो कटा दो, 2 कट गया एक बार में, यानी x का जो मान आ गया आपका 1 आ गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, चलो बढ़िया। तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, और y का मान कितना रखे थे तो 4। तो यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो y का मान 2 रखे तो x का मान 2 आया, फिर यहाँ पर y का मान जब आप 4 रखे तो x का मान 1 आया, तो इसको रखेंगे कहाँ, कहाँ लिखेंगे? तो देखिए इसको लिखने का तरीका, एक बक्स बना लेते हैं, बक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप यदि इस तरह से एग्जाम में बनाओगे तो आपको 100% फिर से कह रहा हूँ कि 5 नंबर मान लो कि 100 में ऐड अप का हो गया 100%, और बहुत इजी पूछता है, ठीक है ना। जिस तरह से क्वेश्चन हम बना रहे हैं इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। आप टेंशन ना लेना, बहुत ईजी है, बस सिर्फ समझ जाओ अगर आप अगला बार से आप खुद बनाओगे। और आपको एक होमवर्क में देंगे लास्ट में, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, एक होमवर्क में दे देंगे, आप प्रैक्टिस करना, और आज से आपका 5 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए बक्स कैसे बनाते हैं, देखो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। पहले एक्स आता है तो पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई आता है। अब इसमें इसका मान भरेंगे कैसे, तो देखो जब हम वाई का मान 2 रखे थे तो एक्स का मान कितना आया था 2, तो लिख दो इसमें। जब हम वाई का मान 2 रखे थे तो एक्स का मान 2 आया था। जब हम वाई का मान 4 रखे थे तो एक्स का मान कितना आया था 1, तो जब वाई का मान 4 रखे थे तो एक्स का मान 1 आ गया। अब कहोगे सर सर 2 ही बक्स बनेगा, अब आगे बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल जो पुनः वाई का मान 4 रखे हो तो और आप बक्स बढ़ा सकते हो, लेकिन अब काम रहता नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि एग्जाम हम लोग का समय भी कम रहता है, तो बस 2 ही पर लेकर के चलना, ठीक है, तीसरा लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए बक्स बन गया, ठीक है। इसी तरह जस्ट समीकरण सेकेंड के लिए भी बक्स बनाना होगा, तो कैसे बक्स बनेगा, तो पहले हम तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तब ना होगा, यहाँ पर मेरा जगह है तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण किसे चलेंगे, समीकरण सेकेंड से चलेंगे, समीकरण सेकेंड से। सेकेंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसी तरह सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम माना y का मान रखेंगे तो अपने x का मान आते जाएगा, तो रखो माना y का मान रखते हैं, मान लो क्या रखना चाहते हो बोलो, y का मान जो रखना है सो रख लो। चलो हम y का मान रखना चाहते हैं इस बार, क्या मान है आपका, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 12, 13 कुछ भी रख सकते हो। बोलो क्या रखें, आपके मन से रखें कि अपने मन से रख दे, बताओ क्या चूज करते हो, बताओ 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 क्या रखें, 2 रख दें, 2 रख दें, बोलो चलो 2 रख देते हैं, ठीक है, 2 नहीं अब की बार 2 नहीं 4 रखते हैं, ठीक है, ये तो x y में यहाँ पर 2 लिए थे, अब की बार 4 लेते हैं, ठीक है, चलो 4 ले कर 6 ले, चलो 4 ही लेकर देखते हैं, ठीक है। चलो y का मान हमने निकाल लिया 4, तब यहाँ पर देखो इसमें भर दो, तो 4x ज्यों का त्यों माइनस 2 और y का मान कितना लिए हो 4 ना, तो इस y में क्या भरेंगे, इसमें 4 भर देंगे, मल्टीपल 4 हो गया अब बराबर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 4x और 4 दुनी के 8 अब बराबर 4, यहाँ से 4x बराबर ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 8 हो गया, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12, तो यहाँ से गुना कर दिया तो भाग कर देगा, तो एक्स बराबर 12/4 यानी 4 × 3 = 12, यानी हमारा x का मान आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, पुनः फिर लेंगे एक बार फिर चेक कर लेते हैं, पुनः माना y का मान जो लेना है ले लो, 6 लेना चाहते हो चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है, y का मान हमने 6 रखा, तो क्या हो जाएगा, किस में भरेंगे इस 4x माइनस 2y बराबर 4 में भरेंगे ना, तो लिख लो 4x माइनस 2y बराबर 4 में y का मान 6 भरेंगे तो x का मान अपने आप आ जाएगा, तो 4x माइनस 2y का मान कितना भरना है 6 ना, तो 6 बराबर 4 हो गया, तो 4x माइनस 6 दुनी 12 बराबर 4। अब यहाँ से देखो 4x ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 12, तो 4x बराबर हो जाएगा 12 × 4 = 16, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 16, ये गुना कर जाएगा तो भाग 4 × 16, यानी x का मान आ गया 4।
अब जैसे समीकरण फर्स्ट के लिए हमने बक्स बनाया था, उसी तरह इसके लिए बक्स बना लेंगे। ठीक है, तो बक्स बना दो। पहले आता है x, उसके बाद y। जब हम y का मान 4 रखे तो x का मान 3 आया है, तो भर दो। जब हम y का मान कितना रखे थे, 4, तो x का मान 3 आया था। जब y का मान 6 रखे तो x का मान 4 आया, 6 और 4। ये आपका देखो बक्स कंप्लीट हो गया। और जिनको बक्स बनाने आ गया ना, अब समझो कि उनको 100% कह रहा हूँ कि ग्राफ बनाने आएगा ही आएगा, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बना करके आपको दिखाते हैं। मेरे पास अभी ग्राफ कॉपी नहीं है, हम मार्केट में गए थे खरीदने के लिए बट हमें मिला नहीं। ठीक है, दुकान सारा बंद है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए हम आप लोग को इस पेज पर ही समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या दिखना चाहिए, ये बस आपको जो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, बक्स। इस बक्स से ही हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है। चलिए क्या करें, देखो आपको हम ग्राफ बनाते हैं, कलम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहले लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, इसकी वजह से हम नहीं ग्राफ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ग्राफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा हम अगला वीडियो जरूर लाएंगे जो कि ग्राफ पर बनाया हुआ रहेगा। ठीक है, अभी पहले सीख लो, सीख जाओगे तो ग्राफ कॉपी भी बनाने में देर नहीं लगता है। ठीक है, चलिए तो ए होता है जो एक्स होता है, और लेफ्ट साइड वाला एक्स डैश यानी माइनस वाला होता है, ऊपर वाला जो होता है वाई होता है, और जो नीचे वाला होता है वो माइनस यानी वाई डैश होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है हम लोग का मूल बिंदु होता है 0, 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु 0, 0 होता है। कोई आपसे पूछ दे कि मूल बिंदु क्या होता है, तो 0, 0 ऐसे आपको टेंथ में एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक्स में है 2, वाई में 1। तो पहले आप ऐसा कर लीजिए कि एक्स में आपको मान लिखना होगा, एक्स डैश में लिखना होगा, वाई में भी लिखना होगा, वाई डैश में भी लिखना होगा। तो चलो हम लिख लेते हैं, एक ग्राफ कॉपी रहता तो उसमें लिख दिया हुआ रहता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, आपको जितना बढ़ाने का मन उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जितना मन है उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर भी 6 कर लो, इधर 1। अच्छा, ये जो होता है माइनस में होता है, क्योंकि डैश वाला है ना तो ये माइनस में होता है, और एक्स वाला क्या होता है, प्लस में होता है। ऊपर में क्या होता है, प्लस, 2, 3, 4, 5, 6। इधर नीचे क्या होता है, माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब इसको मिलाओ, मिलाओ तो सबसे पहले इस बॉक्स में आओ। बॉक्स में क्या है कि एक्स में दो और वाई में भी दो लेना है। तो क्या लेंगे, चलो एक्स में दो वाई में दो कहाँ पर मिलेगा, एक्स में दो वाई में भी दो, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस दोनों को एक्स में दो वाई में दो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ना, एक्स में दो वाई में दो, इसको ऐसे कर लो, और यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि एक्स में दो वाई में दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको लिख लिए। अब चलिए एक्स में एक वाई में चार, एक्स में एक वाई में चार, तो एक्स में एक ए है और वाई में चार ए वाला है, तो इसको ऐसे 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 करके यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर लिख लो एक्स में एक वाई में चार। इन दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, अब चलिए ए हो गया। अब एक बार एक्स में तीन वाई में चार, एक्स में तीन वाई में चार यानी यहाँ पर मिलेगा, इसको ऐसे करते हुए चलो, एक्स में तीन वाई में चार यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको एक्स में तीन वाई में चार लिख लो। फिर एक्स में चार वाई में छः, एक्स में चार यहाँ पे, वाई में छः कहाँ पर, यहाँ पर ना, चलो इसको भी यहाँ पर इसको ऐसे कर लो। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको ग्राफ को हम खींच देंगे। ठीक है, अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो जाएगा यहाँ पर होगा, लिख लो इसको एक्स में चार वाई में छः,
इसको क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दो, ए वाली लाइन खींच दिए, ठीक है। अब लाइन जैसे खींचे हमने, क्या हुआ, यहाँ पर देखो दोनों क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वहीं उसका वैल्यू होता है। तो देखो पहले होता है x, उसके बाद होता है y। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 2 और y का भी मान हो जाएगा 2। यहाँ पर प्रतिच्छेद जहाँ पर करता है ना वहीं x y का मान होता है। तो प्रतिच्छेद किया यहाँ 2 2 पर, तो x का मान 2, y का मान 2। तो यहाँ लास्ट में हम लिख लेंगे, अतः x का मान 2 और y का मान भी 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जिनको ये बक्स बनाने आ गया ना, जिनको ये बक्स बनाने आ गया, तो फिर तो उनको कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनको फिर ग्राफ नहीं बनाने आएगा। ग्राफ बहुत ईजी है, बस आपको सॉल्व करने के बाद आ जाना चाहिए। और ये इतना ईजी है कि मतलब दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। अब सोचो इतना ईजी होकर के 5 मार्क का आता है, ठीक है। तो क्यों नहीं आप दो बार तुम्हारे सॉल्व करोगे, करोगे ही करोगे, जरूर करना। और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम में इसी तरह का आएगा। और आपको लास्ट में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर जीरो, इसको आप बना करके चेक करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।